नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारत से गए अमेरिका, अमेरिका से पहुंचे वेस्टइंडीज और अब लौटना होगा अपने देश। भारत की 140 करोड़ लोगों को भी इंतजार है भारतीय टीम के देश लौटने का, वो चमचमाती विश्व कप की ट्रॉफी अपने देश में देखने का। रोहित के सेना, अब इंतजार खत्म करवाओ, विश्व कप की ट्रॉफी लेकर लौट आओ। हम आपके इंतजार में हैं, आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आज भारत का हर व्यक्ति यही कह रहा है, तो चलिए इंतजार घड़ियों को करते हैं थोड़ा कम। विश्व कप की ट्रॉफी जीतने से सिर्फ पीछे हैं हम एक कदम, तो अब बढ़ाते हैं हम अपने कदम आगे और जीत से पहले दिखाते हैं भारत आज कैसे भरेगा दम। तो महज कुछ घंटे बचे हैं जब वेस्टइंडीज के बारबाडोस के ओवल पिच पर भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमें चाहेंगी कि आईसीसी की ट्रॉफी जीतकर सालों से सूखे को खत्म किया जाए, लेकिन जीत इतनी आसान तो नहीं। आज भारत को कैसे मिलेगी जीत और नॉकआउट राउंड में कहां हम चूक जाते हैं, किससे बचे कि इस बार ट्रॉफी आ जाए, देखिए रिपोर्ट। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की पुकार, विश्व कप जीत कर लाओ इस बार। रोहित के रणबांकुरे करो कमाल, नहीं मिलेगा मौका बार बार। मौका है इस बार ट्रॉफी जीतने का। अब हार जैसे शब्द की कोई जगह नहीं, चाहिए तो बस जीत, और मिले भी क्यों ना। हम अफ्रीकी टीम से किसी भी मामले में कम नहीं, बल्कि कई गुना बेहतर हैं, चाहे बैटिंग हो या फिर बॉलिंग। क्या है हमारी स्ट्रेंथ? भारत बैटिंग में आगे, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी भारत से कमजोर। बॉलिंग में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन, इतनी मजबूत बॉलिंग किसी की नहीं। विश्व कप में भारत की जीत 67% और वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की जीत है 62%। जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है हमारे पास। विराट कोहली कगिसो रबाड़ा के लिए खतरनाक। भारत के पास तीन बेहतरीन स्पिनर्स, अफ्रीका के पास सिर्फ एक स्पिनर। भारत के पास बल्लेबाजी में है गहराई, अफ्रीका के पास बल्लेबाजी में भी नहीं है गहराई। और ये आंकड़े कह रहे हैं कि आज अफ्रीकी दबाव में होंगे, क्योंकि हम उनसे हर आंकड़ों में आगे हैं। ये तो मौजूदा हालात के आंकड़े थे। अगर विश्व कप के ट्रॉफी उठाने की बात करें या फिर नॉकआउट मुकाबले तक पहुंचने की, तो उसमें भी हम आगे हैं। भारत और अफ्रीकी टीम 2007 से लगातार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पहले ही टूर्नामेंट का खिताब जीता, तब अफ्रीकी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इसके बाद 2009, 2010, 2012 में भारत ग्रुप स्टेज पार नहीं कर पाया। टीम इंडिया 2014 में रनर अप रही, जबकि 2016 और 22 के सेमीफाइनल्स हार गई। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम 2007 के विश्व कप में ग्रुप स्टेज भी पार नहीं कर पाई थी। 2009 में सेमीफाइनल्स तक पहुंची, 2010 और 12 में एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप स्टेज पार नहीं कर पाई। साल 2014 में सेमीफाइनल में हार मिली, 2016, 21 और 22 में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, और 2024 में आप दोनों ही टीम्स फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये वो आंकड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अफ्रीकी टीम से बहुत आगे हैं, और आज भारत ने अपना दम दिखाया तो फिर रोहित की सेना ट्रॉफी लेकर ही भारत लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हिंद के शेर साउथ अफ्रीका को करेंगे ढेर, यही कामना हर कहीं चल रही है और कई जगह पर पूजा अर्चना अलग अलग तरह के हवन भी हो रहे हैं। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आज ये सूखा खत्म हो ही जाए, जो 17 सालों का सूखा है वो खत्म हो जाए और इंडिया आज का मैच जीत जाए। ये तस्वीरें देखिए, 140 करोड़ की जनता
अलग अलग तरह से खुशी जो है वो भी जाहिर कर रही है, चूंकि पूरी आश्वस्त है जनता कि ये जो है ट्रॉफी हमारे ही नाम है, इंडिया के ही नाम है। और इसी को लेकर के हवन पूजन भी हो रहा है, अलग अलग मंदिरों में भी हमने देखा, साथ ही साथ अलग अलग जगह पर हवन भी कराए गए, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के खुशी बहुत ज्यादा है, उत्साह बहुत ज्यादा है आज के मैच को लेकर के, सब टकटकी लगाए बैठे हैं, वीकेंड भी है और सभी टीवी के आगे से हटना नहीं चाहेंगे, हर कोई देखना चाहेगा आज के मैच को, कितना खास होगा, कैसा होगा, और आश्वस्त भी है कि ये 17 साल का सूखा खत्म हो ही जाएगा। और अलग अलग जगह पर लोग उत्साहित भी बहुत ज्यादा हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश मौर्य भी बिलासपुर से जुड़ गए हैं। इंदौर का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। मिथिलेश, बहुत ज्यादा क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह तो हम देख ही रहे लंबे वक्त से, और जब आज ये फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है तो सब दुआएं भी कर रहे हैं कि ये मैच कैसे न कैसे करके बस जीत आए टीम इंडिया और 17 साल का जो सूखा है वो खत्म कर दे। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि 17 साल का सूखा खत्म हो जाए, और इस दिन का बेसब्री से हर क्रिकेट वासियों को, हर क्रिकेट प्रेमियों को इस दिन का इंतजार था। और देखिए आज वो महामुकाबले का दिन भी आ चुका है, और सेमीफाइनल जिस तरीके से भारत ये मुकाबला जीता उसके बाद से इंदौर में लगातार जश्न का माहौल है, हर जहां पे लोग अभी भी सेमीफाइनल के का जो बड़ी जीत है उसको लेकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज का दिन जो है वो भारत साउथ अफ्रीका के फाइनल मैच को है, और फाइनल मैच के पहले इंदौर में कुछ युवा क्रिकेट प्रेमी मेरे साथ मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और किसे आज लगता है कि आप भारतीय टीम में शतक कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा? सबसे ज्यादा शतक कोहली लग रहा है, रोहित कोहली और रोहित शर्मा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहने वाला आज को, और हम शाम को राजवाड़ा की तैयारी, जीत की तैयारी में जाने वाले हैं। हाँ। और पूरा इंदौर वहाँ इकट्ठा होगा। हाँ। बस जी राजवाड़ा के लिए तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। सेमीफाइनल जिस तरीके से भारत ये मैच जीता, लगता है कि साउथ अफ्रीका को भी हम बड़ी जीत, पूरे जश्न की तैयारी है, बिल्कुल जश्न की। और जश्न का दौर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत एक के बाद एक मुकाबले जीतते जा रहा है, अब जीतते ही जाएगा, बिल्कुल जीतते लगातार जीतते जाएगा। पहले कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है कि आज कितनी बड़ी जीत होने जा रही है भारत की? मुझे लगता है 180 प्लस तो जाना चाहिए टोटल, अगर इंडिया बैटिंग करता पहले तो, और कोहली शायद चले, होपफुली, मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड है, लगता है कि कुछ ना कुछ रन तो बने। बाकी इस टूर्नामेंट परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, बट होपफुली कि चाहते हैं कि वो अच्छा खेले इस बार। विराट कोहली का बल्ला अभी तक खामोश रहा, लग रहा है कि आज रनों की बौछार करेंगे विराट कोहली? देखिए विराट कोहली ज़रूरी नहीं है कि 4-5 मैच में नहीं चले, आज चलेंगे और जश्न में की होगी धूम, चलेगा हमारा बूम 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 बुमरा। और राजवाड़ा भी कितना बड़ा जश्न होने जा रहा है? राजवाड़ा नहीं, पूरे इंदौरियंस, इंदौरी, इंदौर की एक एक जगह हम जश्न मनाएंगे, सिर्फ राजवाड़ा ही नहीं चमकेगा, इंदौर का एक एक कोना चमकेगा, क्योंकि इंदौर रहेगा नंबर वन। तो चलो एक बार हो जाए इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल, और देखिए जश्न की अगर बात करें तो इंदौर से बेहतर जश्न कहीं और नहीं मनाया जाता है, और राजवाड़ा से वो तस्वीर भी पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है, जब कोई बड़ा मुकाबला होता है और भारतीय टीम जब वो मैच जीती है तो उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जश्न, क्रिकेट का सबसे बड़ा जश्न जो है वो राजवाड़ा में मनाया जाता है। राजवाड़ा पे तैयारियां हो चुकी है, बड़े बड़े चौराहे पे LED स्क्रीन लग चुकी है, बस इंतजार है मैच के शुरू होने का। और जब भारतीय टीम आज वर्ल्ड कप जीतेगी, जब वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगा, भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में होगा, तो उसके बाद बड़ा जश्न राजवाड़ा पे होगा। राजवाड़ा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, इंदौर के लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम एक के बाद एक लगातार मैच जीतते जा रही है, और हर इंदौरियों को इंतजार है आज शाम का, क्योंकि शाम को राजवाड़ा में मनेगा जश्न, और वैसे भी खान पान का शहर है तो एक तरफ जश्न मनेगा, दूसरे तरफ खुशियां बांटने के लिए, खुशियां जब हमारे हाथों होंगी तो हम सरापा पहुंच जाएंगे, तो सरापा में होगा खान पान का माहौल और राजवाड़ा में होगा क्रिकेट का जश्न, और इंदौर पूरी तरीके से जश्न में डूबा हुआ है, और उत्साह की तस्वीर लगातार इंदौर के हर चौराहे से सामने आ रही है। युवा क्रिकेट खेल रहे हैं और शाम का आज
बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। उमेश मौर्य भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, 2007 का अगर हम जिक्र करें तो उस समय धोनी की कप्तानी थी, उनकी टीम थी और गजब का उत्साह भी उस समय उन्होंने दिखाया था और बड़ी जीत भी हासिल की थी, पाकिस्तान को हराया था। इस समय अब रोहित शर्मा की अगुवाई में ये सब मैदान में उतरने जा रहे हैं, आखिर कितना आश्वस्त वहां की जनता है और कितनी उत्साहित है, कितनी खुशी है आज के मैच को लेकर के, T20 को लेकर के? बिल्कुल, देखिए रोहित के धुरंधरों पर पूरा भरोसा है और उसका आप नजारा एक देख सकते हैं कि चील करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, भारत का झंडा लेकर ये अपने हौसले को बुलंद करते हुए नजर आ रहा है और ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी और यही जश्न को लेकर जो यहाँ पर है काफी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे। किस तरीके से आज का मैच रहेगा, 2007 का मैच हम लोगों ने जीता था, अब 2024 का T20 को किस तरीके से देख रहे हैं जी? आज हमारे भारत देश के लिए एक बेहतरीन अवसर है, आज का समय आज शाम रात 8 बजे के बाद हम लोग के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। इस बार जो है भारतीय टीम फुल फॉर्म में है और रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार रन नहीं बना रहे थे, लेकिन इस बार विराट कोहली फाइनल मुकाबले में शतक जरूर लगाएंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम विश्व कप अपने हाथ में। बिल्कुल, आप बताइए कि किस तरीके से मैच को देख रहे हैं, क्या प्लानिंग है आज की? आज की प्लानिंग हमारी ये है कि हम प्रोजेक्टर लगाकर बीच चौराहे पे पूरी व्यवस्था के साथ बैठेंगे और विजय इंडिया की गाथा इंडिया, इंडिया। आप किस तरीके से तैयारी है और क्या लग रहा है टीम इंडिया? अभी हम रात की तैयारी के लिए पूरा प्रोजेक्टर और नाश्ता पानी पूरा सभी का व्यवस्था कर लिए हैं और आज विराट का विराट प्रदर्शन होने वाला है और इंडिया जीत के आने, इंडिया जीत के आने वाले। ये हमारे इंडिया के लिए गौरव की बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों ही मैच फाइनल मैच हम लोग जीतेंगे, T20 कप हमारे ही होगा, ये भारत के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। 17 साल का सूखा आज मिटने वाला है, इंडिया बस इंडिया जीत जाए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। देखिए काफी उत्साह है इन क्रिकेट प्रेमियों में, बिलासपुर के क्रिकेट प्रेमियों, और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इनको पूरा भरोसा है कि आज के मैच में जो इंडिया है वो पूरी दमखम के साथ उतरेगी और अश्वमेघ के घोड़ों की तरह आज जो है मैदान में वो दौड़ती हुई नजर आएगी और इस T20 वर्ल्ड कप को जीत कर भारत लेकर आएगी। जी ठीक ठीक ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और उनकी भी खुशी दिखाने के लिए, उत्साह दिखाने के लिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो आज का मैच बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं बहुत ज्यादा खुश हैं, इंतजार है आज शाम का जब मैच की शुरुआत होगी। चूंकि देखिए आपको ये भी बड़ी जानकारी हम दें कि T20 की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका और इंडिया की, अब तक 26 बार आमने सामने रह चुके हैं जिसमें से 14 बार जो है भारत ने जीत दर्ज की है और पलड़ा भारत का ही भारी है, आज भी भारी रहेगा यही पूरा पूरा अनुमान है, साथ ही साथ इंतजार है आज के मैच का और आज की जीत का। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज फाइनल मुकाबला होना है और इंदौर में जश्न का माहौल मैच के पहले ही शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि आप बल्लेबाजी कर रहे थे और आपने छक्का लगाया और अपनी टीम को मैच जिताया है, आज भारतीय टीम की तरफ से कौन सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला है? रोहित शर्मा से बहुत उम्मीद है, रोहित शर्मा विराट कोहली हम चाहते हैं कि वो मैच जिताए। हिटमैन का बल्ला तो लगातार चल रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी चला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चला, तो लग रहा है कि आज हिटमैन जो है 100 रन करने वाले, शतक लगाने वाले जी। आज इंडिया ही जीतेगी और इंडिया ही जीतेगी, इंडिया इंडिया जीतेगी, हिटमैन शतक और विराट कोहली का 8 शतक लगने वाला है। कोहली खेलेगा आज, कोहली खेलेगा, खामोश है बल्ला भी, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल फाइनल बचा के रखा रखा है, आज कोहली खेलेगा, आज कोहली का दिन है, रोहित भी खेलेगा और कोहली भी खेलेगा, दोनों खेलेगा। और विकेट कौन लेने वाला सबसे ज्यादा? विकेट बुमराह और अक्षर अक्षर सर जडेजा जहाँ है वहाँ तो जीत फाइनल हो जाती है। जी तो है बिल्कुल, क्योंकि ऑलराउंडर है वो, बैट्समैन सूर्या 360 क्या लग रहा है, यस फाइन 360 डिग्री सूर्या, मतलब हर तरफ शॉट मारते हैं सूर्या, बट थोड़ा सा हमें उनको देखना पड़ेगा कि जो उनके बॉलर्स हैं वहाँ से थोड़ा सा उनको क्या बोल सकते हैं कि स्पिन जो है उनकी अच्छी है, शमसी हमने देखा कि सेमीफाइनल में अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने, तो थोड़ा सा वहाँ पे सूर्या को संभल के खेलना पड़ेगा। भी कमाल करेंगे जी, इंडिया 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 इंडिया, यही जश्न और यही जश्न का माहौल आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा क्योंकि आज
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में महामुकाबला होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोस साथ मित्रेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। भारत और साउथ अफ्रीका का आज फाइनल मुकाबला है और फाइनल मुकाबले को लेकर बिलासपुर के जो क्रिकेट प्रेमी वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और चील करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए काफी सपना जो है वो इंडिया के लोगों ने देखा है, इंडिया प्लेयर्स ने देखा है। क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है आज के क्रिकेट की देखने के लिए आप लोगों की? तैयारी तो ऐसी खास बहुत है क्योंकि हमारा देश का मैच है जी, और हम लोग सारा काम दम छोड़ के ये कोशिश करेंगे कि 8 बजे के पहले टीवी के सामने बैठ जाए, डिस्प्ले के सामने, कि हमारा देश का मैच है और हम तो चाहेंगे बेशक इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे और मैच को जीते। बिल्कुल, इंडिया हर कोई चाहता है कि इंडिया जीते। आप किस तरीके से आज के मैच को देखते हो, क्या लगता है किसका बल्ला बोलेगा आज? आज तो बोलेगा विराट कोहली का बल्ला बोलेगा सर, क्योंकि अपन इंडिया से हैं, इंडिया की तरफ से ही है और हमेशा इंडिया की तरफ से ही रहेंगे और इंडिया इस बार मैच फाइनल निकाल ही रहेगी और इंडिया इंडिया बिल्कुल इंडिया फाइनल जीत रही है। आपके आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर जो बल्लेबाजी के तौर पर जो है वो कौन सबसे सफल बल्लेबाज साबित होने वाला है आज के मैच पे? आज के मैच में रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल चलने वाला है और उसके साथ साथ मैं बोलूँगा विराट कोहली भी चले, क्योंकि एक तरफा मैच हो जाएगा फिर और उससे मतलब हमको जीतने में आसानी होगा। आप लोग क्या प्लानिंग है आज की मैच की? बहुत अच्छा है, घर में हम लोग सब मिल बांट के देखेंगे सर, और मैच बहुत अच्छा होगा। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है तो बैटिंग भी बॉलिंग हम लोग अच्छा करना पड़ेगा तभी मैच जीतेंगे। क्या लगता है अगर टीम टॉस जीतती है तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? अगर टीम टॉस जीतती है तो बैटिंग ही करनी चाहिए क्योंकि उसमें जो भी है रोहित शर्मा और अपने विराट कोहली जो दिखाएंगे तो वहाँ से ही अपन बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उम्मीद जो होगी 110% हो जाएगी जीतने की, कि पहले तो बैटिंग ही लेना चाहिए अपने को। निश्चित रूप से जो टीम इंडिया के लिए जो यहाँ के भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है वो काफी उत्साहित है, इंतजार है तो बस 8 बजे का, जब 8 बजे मैच शुरू होगा और लोग जो है इस विजयी मैच को देखने के लिए टीवी के सामने डटे हुए होंगे और निश्चित रूप से हर कोई की यही तमन्ना, हर कोई की यही आशा है, हर कोई की यही कामना है कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड को जीत कर भारत लौटे। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे आगे खबरों का। केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह ग्राम पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया गया। बुधनी क्षेत्र